हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो देखिए, जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारा रिवीजन कर सकें। तो देखिए, कंप्यूटर का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को। देखिए, इनका जन्म लंदन में 1791 में हुआ था, तो आपको याद रखना है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्डवेयर। देखिए, कंप्यूटर के बेभाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसे हार्डवेयर कहते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर होता है इसे हम ना ही छू सकते हैं ना ही इसे हम देख सकते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर के आधार पर ही कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीयू को। देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना है। देखिए, यह कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित भी करता है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट नोयस और जैक किल्वे ने। इन दोनों ने मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी चिप का विकास किया था। देखिए, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है इस पर सिलिकॉन की परत होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस पर कौन सी परत होती है, तो सिलिकॉन की परत होती है। देखिए, इसे एकीकृत परिपथ, सूक्ष्म परिपथ, सूक्ष्म चिप और सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो देखिए, जो चुंबकीय डिस्क है यह एक कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस है जिस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट से मापी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिट से। और देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बिट है। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट बराबर 1 केबी यानी कि 1 किलोबाइट होता है। इसी प्रकार से 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट होता है यानी कि 1 एमबी होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी यानी कि 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट होता है, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पीबी यानी कि 1 पेटाबाइट होता है। तो इसी प्रकार से एक कंप्यूटर मेमोरी की इकाई होती है, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोडिंग सिस्टम। तो देखिए, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी यानी कि 1 किलोबाइट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 केबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो देखिए, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बग शब्द का प्रयोग एरर, त्रुटि, दोष, गलती को वर्णित करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में बग शब्द का प्रयोग होता है एरर के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, एरर के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गणना के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताने की सबसे तेज गति वाले प्रिंटर कौन से होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति वाले प्रिंटर होते हैं। ये सबसे तीव्र गति से किसी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और चित्र छापते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार अधिक होता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो कि प्रति सेकंड में अरबों खरबों गणना कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बहुत सारी भाषाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फोरट्रान। इसका पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखिए, इस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं हेतु किया जाता है।
तो ये जो फोर्ट्रान है ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल भाषा किस लिए उपयोगी है? देखिए आप बताने की जो कोबोल भाषा ये किस लिए उपयोगी होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा व्यवसायिक कार्य के लिए। देखिए कोबोल भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, यानी कि व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो देखिए जो कंप्यूटर की बेसिक भाषा होती है इसका प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम। तो देखिए जावा एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे कि सन 1995 में अमेरिकी कंपनी सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। तो जावा के आविष्कारक कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमएस वर्ड। काफी फेमस सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। देखिए एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड यानी कि शब्द प्रोसेसिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का सही रूप क्या है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो WWW है इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। और देखिए इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कई बार एग्जाम में रैम और रोम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। और देखिए ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, और जो रोम होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, और ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। तो आपको दोनों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनपुट। तो देखिए काफी आसान है, कंप्यूटर में जो डाटा जाता है तो वो तो इनपुट होता है, और जो डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद उपलब्ध जानकारी को आउटपुट डिवाइस की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है तो वो आउटपुट होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो मैं आपको इनपुट डिवाइस बता दूँ, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन आदि। बात करें आउटपुट की, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, जैसे कि स्क्रीन, मॉनिटर, ईयरफोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर आदि। तो आपको दोनों का एग्जाम्पल याद रखने कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुल्यात्मक कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ALU। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ALU, इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या है? अभी कई बार एग्जाम में LCD और LED की फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या होती है? तो LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD फुल फॉर्म होती है। बात करें LED की, तो LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, दोनों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, CTRL शिफ्ट और ALT को कौन सी की कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉडिफायर की। तो देखिए जो कंप्यूटर कीबोर्ड में CTRL शिफ्ट और ALT होते हैं तो इन्हें मॉडिफायर की कहा जाता है। मॉडिफायर की कंप्यूटर की एक विशेष की होती है, याद रखना है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो देखिए जो रैम होती है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य मेमोरी होती है। मैंने आपको बता दिया है कि यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि देखिए इसमें अचानक कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो इसमें डाटा चला जाता है, यानी कि डाटा खो जाता है, तो इसलिए अस्थायी मेमोरी होती है। और जो रोम होती है ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें अचानक कंप्यूटर बंद होने पर डाटा खोता नहीं है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो